वेलकम इन डायमंड एजुकेशन पॉइंट। आज हम अकाउंट की फर्स्ट क्लास लेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास हम लोग करेंगे इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन। फर्स्ट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और थर्ड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो नॉर्मली पार्टनरशिप का मीनिंग होता है भाई, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कुछ भी काम करते हैं और वो अपने प्रॉफिट को शेयर करें। मीनिंग दो पर्सन मिले या दो से ज्यादा पर्सन मिलते हैं, मिलकर कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग ही होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करें और प्रॉफिट को शेयर करें। अब बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। हमारे यहाँ पर एक पार्टनरशिप एक्ट है 1932, याद कर लेना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप के मीनिंग को, कि पार्टनरशिप होती क्या चीज है। तो उसमें क्या लिखा गया है, बताया गया भैया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन Who have agreed to share profit of business। यानी कि पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच रिलेशन जो कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तीसरी लाइन में क्या लिखा है, कैरीड ऑन बाई ऑल, यानी कि बिजनेस को हो सकता है वो सब मिलकर चला रहे हो और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी बिजनेस को चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल, बाकी सब पे ये वो काम करेगा। यानी कि तीन लाइनों में लिखा गया, देखो उन लोगों ने से तीन पार्ट डिवाइड किया। पहला, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु इज एग्री टू शेयर प्रॉफिट फॉर बिजनेस, एंड थर्ड वन इज कैरीड ऑन बाई ऑल, जो सब लोग चला रहे होंगे या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर और बाकी के लिए काम। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड। अब पढ़िए व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। सिंपल सी बात है भैया, पार्टनरशिप डीड मींस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। यानी कि जब भी एक पार्टनरशिप डीड बनेगी, दो पार्टनर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट क्या होगा कि भैया कौन कितना पैसा लगाएगा, फ्यूचर में किसे कितना कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, फ्यूचर में पार्टनर्स हमारी सैलरी क्या होगी, अगर कोई हम नया पार्टनर एडमिट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, बस वही एग्रीमेंट क्या कहलाता आपके पास, पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी बेटा किस चीज की, पार्टनरशिप की। इट मे बी रिटर्न और ऑरल, बड़ी सिंपल सी बात है, आप इस एग्रीमेंट को रिटर्न भी कर सकते हो, यानी कि रिटर्न में हो सकता है और मे बी ऑरल हो सकता है, आप आपस में बातचीत कर लो, वही आपका एग्रीमेंट हो जाए। बट नॉर्मली प्रेफर हम क्या करते हैं, हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट, जिससे फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके। अब बारी आती है नेक्स्ट कि भैया पार्टनरशिप डील में होती क्या क्या चीजें, यानी कि पार्टनरशिप डीड में होगा क्या क्या, तो हमने छोटी सी बातें लिखी हैं, आप यहां भी देख सकते हो, फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आप इसे लिखा है क्या क्या चीजें। इट स्पेसिफाई द वेरियस टर्म्स सच एज, इसमें क्या क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे पार्टनर के, यानी किस रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट बांटेंगे, सैलरी क्या होगी पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर पैसा लगाएंगे उसे कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर किसी पार्टनर ने पैसा निकाल लिया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक और लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका है आपके पास मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बड़ा सिंपल सा है, पहला फीचर हमारे पास है टू एंड मोर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें मिनिमम दो पार्टनर होते हैं, एक अकेला पार्टनरशिप नहीं चला सकता, और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 20 पार्टनर, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। मैक्सिमम की थोड़ी कंडीशंस हैं, अगर हमारा बिजनेस
बैंकिंग और इंश्योरेंस का है, इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस तो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 10, और उसके अलावा अदर बिजनेस करते हैं तो हमारे मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं बच्चे 20। अब हमारे पास एक नया कंपनी एक्ट आया है, कंपनी एक्ट 2013, उस एक्ट ने बोला है कि भैया पार्टनरशिप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100। नॉर्मली 20 पार्टनर होते हैं बैंकिंग बिजनेस के लिए, 10 पार्टनर होते हैं अदर के लिए, 20 होते हैं, ये बात कहां लिखी गई है, हमारे पार्टनरशिप एक्ट में। लेकिन जो कंपनी एक्ट है 2013 का, उन्होंने उसे रिवाइज करके कितना कर दिया है कि 100 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्लास यहीं पर खत्म करते हैं अपनी, ठीक है। तो अगली जो क्लास हमारे पास होगी, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल अपलोड करेंगे, उस क्लास में हमारे पास क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात, अगर इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनकी PDF अगर किसी को लेना है तो मेरे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालेगा, सर प्लीज सेंड मी PDF ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको PDF के थ्रू भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसके लिए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करके आप PDF भी ले। बाकी कल हम पढ़ते हैं इस क्लास की बाकी बातें। जय हिंद, जय भारत।